हेलो, ठीक है। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? जल्दी से लाइव आ जाएं ताकि आज की क्लास को अपन स्टार्ट कर सकें। जल्दी करें थोड़ा भैया। OBS ओपन करना, ठीक है, चलो। तो पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में अपन ने थोड़ा वो जान लिया था, ठीक है। अच्छा, अब आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर के केसेस पढ़ने वाले हैं ना, एक बार रिकैप कर लें क्या किया हुआ था कल, देखेंगे। कल अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जाना और वहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला निकल के आ गया है, वो क्या था कि पाई इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू एन थ्योरेटिकल अपॉन वी आर टी मल्टीप्लाई विद आई, ठीक है। ये फॉर्मूला कल निकल करके आया था, है ना। अब इसको अपन आज यूज़ करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा, है ना। कल भी अपन ने दो क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए थे, एक किया था ग्लूकोज वाला, एक किया था NaCl वाला, ठीक है। एक बार प्रॉपर लाइव हो चुके हैं, एक बार मैं चेक कर लूँ ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए, है ना। तब तक आप आ भी जाओ। हेलो, चलो हो रहा है, ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें। तो देखो, ये पिछली क्लास में अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिया था, ये क्या था सर? ये सेम टू सेम आपको वैसा ही लग रहा होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, है ना, क्योंकि पाई भी क्या है, प्रेशर है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और यहाँ पे एक आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर एक्स्ट्रा आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे केसेस देखने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट। अच्छा, यूँ मान के चलिए कि यार कोई सोल्यूशन है, उसमें यदि एक से ज़्यादा यदि मैं सोल्यूट मिक्स कर देता हूँ, है ना, तो फिर क्या होने वाला है? जैसे फर्स्ट केस अपन लेते हैं यहाँ पे, केस वन, इफ मोर देन वन सॉल्यूट, मोर देन वन सॉल्यूट आर मिक्स्ड इन अ सॉल्यूशन, है ना। यदि एक ही, मतलब एक ही सॉल्यूशन में अपन बोल सकते हैं कि एक से ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट बोल देते हैं इसको, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब इस कंडीशन में अपन क्या करने वाले हैं? जैसे मान के चलिए कि एक से ज़्यादा यदि अपने पास में सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो उस जगह पे आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। उस जगह पे आपको कुछ भी नहीं करना, पाई वन प्लस पाई टू प्लस पाई थ्री, और इस तरीके से सबको ऐड कर देने का है ना। चलो जी, ये अपना फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओ पाई की वैल्यू कैसे आएगी? पाई रिजल्टेंट निकल करके आया है ना, पाई इज इक्वल टू पाई वन कितना रहेगा बताओ मुझे भाई। पहले वाला सॉल्यूट है उसके मैंने मान लिए एन वन मोल है ना, तो वह कितना रहेगा, एन वन आर टी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका लोगे, पूरे जो पूरा सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम आपको लेना है ना, तो वो तो क्या रहेगा, वी रहने वाला है, और ये क्या हो जाएगा, आई वन प्लस एन टू आर टी आई टू अपॉन वी, और इस तरीके से आगे चलने वाला है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सर आर टी अपॉन वी, आर टी अपॉन वी सब जगह से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला क्या बना दूंगा, फॉर्मूला विल बी एन वन आई वन प्लस एन टू आई टू, और इस तरीके से आगे चलता रहेगा, एक से ज़्यादा सोल्यूट हो गए तो, है ना, आर टी अपॉन वी। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा यदि आपके पास में सोल्यूट हैं तो आप कुछ इस तरह से वहाँ पे करने वाले हैं, क्लियर है, बताओ बात समझ में आई? यानी कि किसी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा यदि सॉल्यूट प्रेजेंट है तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला सीधा अप्लाई कर देना है ना, एन वन आई वन प्लस एन टू आई टू, और इस तरीके से ऐड करते हुए जाओ जितने आपको सॉल्यूट दे रखे हैं, और लास्ट में आर टी अपॉन वी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखना चाह रहे हैं तो आप एक काम करो, पाई वन पाई टू दोनों के लिए अलग अलग निकाल लो,
क्लियर है, फिर उसके बाद में ऐड कर दो। अच्छा देखेंगे, यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन यदि अपन करना चाहें, जैसे वही क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, इन अ सॉल्यूशन 180 ग्राम ग्लूकोज एंड 58.5 ग्राम NaCl आर प्रेजेंट, और ये हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको कितना 5 लीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है वापस से, ऑस्मोटिक प्रेशर, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बताओ केस वन वाला ये अपना क्वेश्चन बन चुका है। केस वन क्या है, तो आप बोलेंगे सर केस वन हमारा ये है कि एक सॉल्यूशन में यदि दो या दो से ज़्यादा है ना, या फिर अपन बोलते हैं यहाँ पे मोर देन टू सॉल्यूट आर प्रेजेंट, है ना, मोर देन वन सॉल्यूट आर प्रेजेंट। ठीक है चलो, अच्छा इसको देखेंगे। अच्छा आप देख पा रहे होंगे कि सर एक सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूट तो कौन सा है आपका, तो आप बोलेंगे सर पहला सॉल्यूट तो आपका क्या आ चुका है, यहाँ पे ग्लूकोज आ चुका है। ठीक है, अच्छा दूसरा सॉल्यूट क्या है, तो आप बोलेंगे दूसरा सॉल्यूट NaCl है। क्लियर है। अच्छा यदि 180 ग्राम को आप देखते हैं, तो आप मुझे बताएंगे N1 का वैल्यू कितना गिवन है, 1 गिवन है। अच्छा इसको आप N2 मान लीजिए, वो कितना गिवन है, वो भी 1 गिवन है। क्लियर है, अब क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अच्छा ग्लूकोज के लिए I जो माना जाता है ना, उसको मैं I1 बोल देता हूँ, कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। और NaCl क्या है सर, ये सॉल्ट है, और जितने भी सॉल्ट होते हैं सबके सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा इसके लिए, I2 यदि हम निकालें तो वह कितना आएगा, इसके लिए 2 आएगा। क्लियर है, है ना। अब पाई का फॉर्मूला लगा तो सीधा यहाँ पे पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 I1, है ना, N1 कितना है 1, I1 कितना है 1, यानी कि 1 × 1, N2 I2, N2 कितना है 1, I2 कितना है 2, 1 × 2 अपॉन वॉल्यूम, कितना है वॉल्यूम, तो आप बोलेंगे सर सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 5, है ना। क्लियर है, अच्छा मल्टीप्लाई विथ आर टी। अच्छा आर की वैल्यू आप कितने लेंगे यहाँ पे बताओ। अच्छा सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो आपको किस में दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लीटर में दिया हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू आर की वैल्यू 1/12 रख लो, है ना, जो भी कितनी होती है 0.0821, 1/12 बोल देता हूँ उसको, 1/12। अच्छा टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर यदि कुछ भी दिया हुआ नहीं है, हाँ तो आप क्या मान के चलेंगे, रूम टेम्परेचर है, बाकी यहाँ पर टेम्परेचर मैं मैंशन कर देता हूँ, टेम्परेचर कितना की वन है, ये दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर 27 बोल देते हैं इसको, इट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है, तो टेम्परेचर कितना हो गया अपना यहाँ पे केल्विन में रखेंगे, 300 केल्विन। ठीक है, अच्छा कैलकुलेट करेंगे यहाँ से कितना आंसर आ रहा है, इससे कटेगा कितनी बार, 69, है ना, 5 × 12 = 60, 5 और ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 3, 3 15, है ना, पाई इज इक्वल टू कितना आ चुका है, 15 ATM आ चुका है, और ATM में ही आंसर आएगा यदि आप आर की वैल्यू 1/12 लेके चल रहे हैं तो। क्लियर है, बताओ सही है, समझ में आ गई कहानी, बड़े आगे। तो ये पहला केस है जहां पे अपन क्या कर रहे हैं, एक ही सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा सॉल्यूट हम डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा यदि हम ऐसे कोई दो सॉल्यूशन ले लें, है ना, जैसे पहला कोई सॉल्यूशन अपन ने ले लिया, है ना, दूसरा कोई दूसरा सॉल्यूशन ले लिया, और उन दोनों को यदि मिक्स किया जाए तो तब क्या होगा कहानी, देखते हैं। यदि अगली कहानी हम बात करें यहाँ पे, तो केस टू देखना भाई, केस टू इफ मोर देन टू सॉल्यूशन, है ना, या फिर इसको हम ऐसे बोल देते हैं, इफ टू और मोर सॉल्यूशन आर मिक्स, है ना, इफ टू और मोर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। ठीक है, अब इस जगह पे आप क्या करने वाले हैं बताइए, इस जगह पे कुछ भी नहीं, देखो जैसे पहला वाला सॉल्यूशन है ना, इसमें मैं मान लेता हूँ इसमें आपका N1 मोल दिया हुआ है सॉल्यूट का। ठीक है,
अच्छा इसके लिए आई वन जो है वो कितना है यहाँ पे, आई वन मान लेते हैं जो वन टू फैक्टर है, ठीक है, ये सॉल्यूशन वन है। अच्छा इसके लिए वॉल्यूम कितना मानेंगे बताओ मुझे, वॉल्यूम कितना मानेंगे, वी वन मान ले है ना। अच्छा दूसरा सॉल्यूट दे रखा है आपको सर, ये एन टू दूसरा सॉल्यूशन दे रखा है, इसमें एन टू सॉल्यूट है, आई टू उसका वन टा फैक्टर है और वॉल्यूम मैंने मान लिया वी टू है ना। अच्छा दोनों को जैसे आप ऐड करोगे, दोनों को जैसे आप ऐड करोगे तो आपको दोनों को मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जैसे आप मिक्स करोगे तो होगा क्या, तो आप बोलोगे सर जो वॉल्यूम रहेगा ना वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी वी वन प्लस वी टू, कितना होगा वी वन प्लस वी टू। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको सर, दोनों को मिक्स किया, अब जो यहाँ पे वॉल्यूम बना है वॉल्यूम कितना हो चुका है, दिस इज वी वन प्लस वी टू, कितना हो चुका है वी वन प्लस वी टू। अच्छा मैं बोल देता हूँ इसके लिए यदि आप पाई वन निकाल रहे हैं है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इसके लिए कितना आएगा बताएंगे मुझे, तो आप बोलेंगे सर एन वन आर टी अपॉन वी वन और क्या आएगा आई वन, ठीक है, एन वन आर टी अपॉन वी वन जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसका आई वन। अच्छा इसके लिए ये पाई टू निकालेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी एन टू आर टी अपॉन वी टू और इसके लिए कितना मान लेंगे, आई टू मान लिया आपने, क्लियर है, बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया है ना। ये किसकी वैल्यू है सर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो इन दोनों का अलग अलग है ना, इन दोनों का जो अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू है, बताओ सही है। अच्छा अब क्या करने वाले हैं सर, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए यहाँ पे दोनों को यदि आपने मिक्स कर दिया है ना, तो अब इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको भी आप ऐड कर दीजिए है ना, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई वन प्लस पाई टू, क्लियर है। अच्छा पाई वन की वैल्यू कितनी गिवन है, तो आप बोलेंगे सर इट इज एन वन आर टी आई वन अपॉन वी वन प्लस एन टू आर टी आई टू वी टू। अच्छा कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर कॉमन आ रहा है अपना आर टी है ना, क्या कॉमन आ रहा है अपना यहाँ पे आर टी कॉमन आ रहा है, तो आर टी को कॉमन ले लो। जैसे आप आर टी को कॉमन लेते हैं तो ये क्या आएगा अंदर बताओ, इट विल बी एन वन आई वन अपॉन वी वन है ना। अच्छा ये कितना बनेगा, ये होगा एन टू आई टू अपॉन वी टू, बताओ सही है, बोलो बच्चे कहाँ रह गए आज, और इसको यदि आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे तो है ना, वैसे तो ये करने की जरूरत भी आपको पड़ेगी नहीं है ना, ये करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप तो सीधा पाई वन निकालो पाई टू निकालो है ना, पाई वन पाई टू निकालो सीधा, उसके बाद में सीधा ऐड कर दो उनको है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है ना। अच्छा ऐसा क्वेश्चन यदि करना हो तो एक क्वेश्चन रुको एक बार, आप क्या करेंगे सीधा यहाँ पे पाई इज इक्वल टू पाई वन प्लस पाई टू, बस ये कर लो। आज बच्चे किधर रह गए, इशिता मेहती ठीक है, चलो बड़े आगे। अच्छा इस पे एक क्वेश्चन करना, आप क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने मैं, एक मिनट बस, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए क्वेश्चन है, वन लीटर ईच ऑफ 18% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड 6%
वेट बाय लीटर, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम है ना, वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन आर मिक्स्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर, चलो कैलकुलेट करो इसको कितना आ रहा है, बताएंगे आंसर. बताओ. वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहो ना, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हो इसके लिए ना. जो पाई आपका आने वाला है वो कितना आएगा, एन वन आई वन प्लस एन टू आई टू है ना, ये थोड़ा सीधा हो जाएगा आपके लिए. आर टी अपॉन वी टोटल, जितना भी वॉल्यूम अपन यहाँ पे ले रहे हैं. ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी याद कर लेना आप. बताओ अगला क्वेश्चन. पहले तो इस क्वेश्चन को आप डिकोड करो है ना. डिकोड किस तरीके से करना है, ये आपने कंसंट्रेशन टर्म्स में देखा होगा है ना. वन लीटर ईच ऑफ, यानी कि 18% अपन क्या ले रहे हैं, 18% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज का ले रहे हैं, और दूसरा अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया का है ना, और उनको अपन मिक्स करना चाह रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, तो कैसे करेंगे बताइए. इधर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 18% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज, इस चीज़ का मतलब क्या है ये पहले जानना जरूरी है. और दूसरी तरफ दिया हुआ है आपको क्या, 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया है ना. बताओ एक बार क्या होगा. अब इसको डिकोड करना है, थोड़ा सा टफ पड़ता है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं, अच्छा दोनों का अपन ने कितना कितना लीटर लिया हुआ है, वन लीटर लिया हुआ है ना, यानी कि इसका भी वन लीटर है हमारे पास में. वन लीटर बोले तो दिस इज 1000 ml है ना, इसका भी वन लीटर लिया हुआ है, देट इज 1000 ml है ना. अच्छा इस चीज़ का मतलब क्या है पहले तो बताओ. इस चीज़ का मतलब ये होता है, परसेंट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ml में जो सोल्यूट है वो कितना ग्राम है, 18 ग्राम है, क्योंकि ये ऊपर वेट दिया हुआ है, वेट अपॉन वॉल्यूम है ना. तो नीचे इसके रेस्पेक्ट में निकाली जा रही है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे 100 ml में कितना प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे सर 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है, 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है. अच्छा क्या हम 100 ml ले रहे हैं क्या, बताओ. नहीं ना, अपन कितना ले रहे हैं 1000 ml, तो 1000 ml में कितना प्रेजेंट होगा. यदि मैं 1000 ml के लिए निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 ग्राम हो जाएगा, 180 ग्राम ग्लूकोज बोल सकते हैं अपन. ठीक है, अच्छा इसको डिकोड करेंगे, ये कितना दिया हुआ है 6% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया. इसका मतलब ये है कि 100 ml यदि सॉल्यूशन ले लिया जाए, 100 ml यदि सॉल्यूशन ले लिया जाए, तो उसमें यूरिया कितना प्रेजेंट है, 6 ग्राम प्रेजेंट है ना. यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि सर 100 ml के अंदर यूरिया कितना हो गया, 6 ग्राम यूरिया हुआ. अच्छा तो 1000 ml में कितना होगा सर, 1000 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1000 ही यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, 1 लीटर दिया हुआ है, तो 1000 के अंदर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 ग्राम यूरिया हो जाएगा, पक्की बात है ना. अच्छा यानी कि यहाँ पे आपको एक्चुअली क्या है, क्वांटिटी पता चल गई है ना, आपको मास पता चल गया कि ग्लूकोज का कितना है, 180 ग्राम ग्लूकोज है ना, और जो यहाँ पे यूरिया है वो कितना है दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ये 60 ग्राम आपको दिया हुआ है. अच्छा यहाँ से क्या आप मोल निकाल सकते हैं क्या, बताइए. यदि यहाँ से मैं N1 निकालना चाहूँ तो ये कितना आएगा, 180
अपॉन 180 मास अपॉन मोलर मास, बोले तो कितना मोल आ चुका है, 1 मोल आ चुका है। अच्छा इसको देखेंगे, इसको भी निकाल सकते हैं सर, इसका मोल कितना आ चुका है, ये भी आएगा 60/60, बोले तो कितना आ चुका है, 1 मोल ये आ चुका है। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें जो भी अपन ने देखा था, कौन सा है यहाँ पे, N1I1 + N2I2 RT / V total है ना। तो देखेंगे पाई रिजल्टेंट कितना होगा अपना, N1I1 + N2I2 RT / V total। अच्छा N1 कितना निकला है, 1 निकला है, ग्लूकोज के लिए I1 कितना रहेगा, +1 कर दो है ना, इसके लिए 1 मोल, और यूरिया की दिया हुआ है तो इसके लिए भी I2 कितना रहेगा, 1 ही रहने वाला है ना। अच्छा R की वैल्यू कितनी लोगे बताओ मुझे, दिस इज़ 1/12 है ना। टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन कर देंगे। अच्छा वॉल्यूम टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे सर 2 है ना, 2 लीटर। अब इसको एक बार सोल्व करो, आंसर कितना आ रहा है यहाँ से देखते हैं। अच्छा ये कितना आया, 1 और 1 2, 2 से तो 2 कट गया, यानी कि कितना बचा हुआ है, 1/12 × 30 है ना। अब इसको काटा पीटी मचा लो, कितना आंसर आ रहा है इसका, कितनी बार कटेगा, 12 2 24 है ना, 12 5 60, 25 ATM, ये पाई का वैल्यू आ गया, पाई रिजल्टेंट जो आपका निकला है, पाई टोटल, बताओ सही है कहाँ, सही है भाई, क्लियर है चीज़ है ना। अच्छा अभी तक तो अपन कौन से सॉल्यूशन ले रहे हैं, अभी तक तो अपन वो सॉल्यूशन ले रहे हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना भाई, ग्लूकोज यूरिया से रिएक्ट नहीं करेगा है ना। लेकिन यदि ऐसा ले लिया जाए कि सर क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि दो सॉल्यूशन ऐसे ले लें जो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हो, तब क्या होगा, उस टाइम पे जो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट में जो केमिकल रिएक्शन पड़ी हुई है ना, वो हमारी काम में आने लग जाएगी। ठीक है, तो थर्ड केस हम ले रहे हैं यहाँ पे, इफ टू रिएक्टिंग सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, अच्छा इसमें बहुत बेहतरीन एग्जांपल, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, समझ में आ रहा है ना। चलो देखेंगे, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, 400 ml ऑफ 1 मोलर HCl इज मिक्स्ड विद 600 ml ऑफ 1.5 मोलर NaOH एट 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ना। क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है कि दो सॉल्यूशन अपन ने लिए हुए हैं, पहला सॉल्यूशन तो आपके सामने क्या है, पहला सॉल्यूशन तो ये वाला है ना, जहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, HCl की मोलारिटी 1 मोलर है और उसका 400 ml लिया जा रहा है, कितना ml लिया जा रहा है, 400 ml लिया जा रहा है। अच्छा अगली चीज़ क्या है, 600 ml लिया जा रहा है, किसका सर, वो NaOH जिसकी मोलारिटी, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 1.5 मोलर दे रखी है ना, टेम्परेचर वही आपका रूम टेम्परेचर है, और आपको पाई यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको पता है क्या, इधर अपन HCl ले रहे हैं और इधर क्या ले रहे हैं, NaOH ले रहे हैं, एक तो एसिड है और एक बेस है ना, और ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे ही करेंगे है ना। तो अब इस जगह सिचुएशन क्या होने वाली है, उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे है ना। एक बार, एक मिनट का समय है, आप एक बार इसको समझें है ना, करें, आंसर क्या निकलता है बताएं। डायरेक्ट नहीं करना है ना, डायरेक्ट उड़ा दो क्वेश्चन को।
बताओ कैसे करोगे सर? रिएक्शन लिख लो पहले तो, है ना, जैसे HCl प्लस NaOH की रिएक्शन लिखते हैं, कितना आएगा बताओ? ये बनेगा आपका NaCl प्लस H2O, सही है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएंगे यहाँ पे देख करके, यदि मैं टी इक्वल टू जीरो की हम बात करें, है ना, स्टार्टिंग में जब रिएक्शन हुई नहीं है उस टाइम पे रिएक्टेंट कितना कितना है उसको अपन देख लेते हैं। अच्छा यदि आपको मोलारिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है ml में, है ना, तो ये मैंने आपको बताया था कंसेंट्रेशन टर्म में, यदि मोलारिटी दे रखी हो, है ना, और जो वॉल्यूम है वो ml में दे रखा हो तो मिलीमोल्स निकल जाते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, है ना। तो कितने मिलीमोल आ रहे हैं बताओ मुझे यहाँ पे, कितने मिलीमोल नज़र आ रहे हैं? और मोल भी निकालना चाहो तब भी निकल जाएंगे, मोल देख लो बताओ। यदि हम यहाँ पे मोल निकालें इसके तो मोल्स कितने आ रहे हैं? इट विल बी जो वॉल्यूम है, है ना, पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, लीटर में, 1000 मल्टीप्लाई विद 1, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 0.4 मोल, ठीक है। अच्छा यदि इसके बारे में देखा जाए तो यहाँ पे मोल कितने आ रहे हैं, इट विल बी 600 ml है ना, तो 600 ml का मतलब कितना हो जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई विद 1.5, है ना, कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है, 0.9 ये आना चाहिए, 15 सेकंड, 90, हाँ 20 छोड़ के 0.9 मोल, ठीक है। चलो अच्छा अब बातों को ध्यान से समझो, HCl आपने कितना लिया हुआ है, HCl आपने लिया हुआ है 0.4 मोल लिया हुआ है। अच्छा NaOH कितना ले रखा है, 0.9 मोल लिया हुआ है। अच्छा आपको पता है कि स्टोइकोमेट्री देखी जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक मोल जब HCl का रिएक्ट करेगा तो NaOH का भी एक मोल रिएक्ट करेगा और NaCl का कितना बनेगा, एक ही मोल बनेगा, है ना, स्टार्टिंग में ये तो जीरो है ही सही, इसको तो जीरो कर दो। अच्छा जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुई तो होगा क्या सर, यहाँ पे LR कौन है तो आपको पता चलेगा सर ये जो HCl है ना, ये क्या रहेगा, दिस इज योर LR लिमिटिंग रिएजेंट, क्यों, क्योंकि ये कम है क्वांटिटी में, है ना, ये 0.4 है, ये 0.9 है ना, यदि यहाँ पे 0.4, यदि ये 0.4 मोल है, यदि ये भी 0.4 मोल होता तो दोनों के दोनों ख़त्म हो जाते, कोई LR नहीं होता, है ना, यानी कि अभी के टाइम पे बोला जाए तो अभी HCl आपका LR है और NaOH क्या है, एक्सेस में बचा हुआ है। अच्छा जब ये HCl 0.4 मोल ख़त्म करेगा तो इसका भी कितना ख़त्म हो जाएगा, 0.4 मोल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इसमें से कितना ख़त्म हो रहा है, 0.4 मोल ख़त्म हो रहा है। अच्छा यहाँ से भी कितना ख़त्म हो जाएगा, 0.4 मोल ख़त्म हो जाएगा, HCl कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। अच्छा ये कितना बचेगा तो आप बोलेंगे सर इट विल बी 0.5 मोल, कितना बच जाएगा, 0.5 मोल, है ना, 0.9 में से 0.4 माइनस हो जाएगा। अच्छा जो NaCl बनेगा वो कितना बनेगा सर, वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनेगा, है ना, यदि 0.4 मोल ख़त्म हुआ है तो NaCl भी कितना बनेगा, ये भी बनने वाला है 0.4 मोल। अब आप मुझे बताएंगे ध्यान से देख करके, अब जो कंटेनर बचा हुआ है ना, उस कंटेनर में HCl कितना है तो आप बोलेंगे सर HCl तो कुछ है ही नहीं, है ना। अच्छा NaOH ये कितना बचा हुआ है तो आप बोलेंगे सर ये 0.5 मोल बचा हुआ है। अच्छा इसके लिए यदि I की हम बात करें तो I क्या होता है, इसके लिए बताएं I क्या रहेगा, I1, तो आप बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, है ना, तो I2 रहेगा। अच्छा NaCl के बारे में बात की जाए तो NaCl कितना मोल दे रखा है सर, ये 0.4 मोल दे रखा है, ठीक है। अच्छा I2 इसके लिए देखा जाए तो ये भी कितना दे रखा है, 2 दिया हुआ है। अच्छा पाई रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे सर, वही N1 I1, N1 कितना है 0.5 into 2 प्लस 0.4 into 2, है ना, RT अपॉन जो टोटल वॉल्यूम है उसको आप लीटर में लिख दो, है ना, वॉल्यूम कितना दे रखा है तो आप बोलेंगे सर एक जगह तो 400 ml था और एक जगह 600 ml था, 1000 ml हो गया, बोले तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 1 लीटर हो गया, है ना, 1 लीटर। अच्छा इसको देखेंगे कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 5 × 2 = 10, 1 × 4 = 8, 1.8, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1.8 RT की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, है ना, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन तो JEE मेन लेवल के थे, है ना, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ना,
और इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है क्वेश्चन में, है ना, तो बच के रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ इस क्वेश्चन में, बोलेंगे आपकी बातें सुनी जा रही है ही, और जब से गूगल मीट पे आए बच्चे आना थोड़े से कम हो गए हैं, कोई नहीं, आ जाएंगे धीरे धीरे। अगला केस देखें, केस नंबर 4, है ना। तीन केस कर चुके हैं यहाँ पे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट। ये अपन अलग अलग से क्वेश्चन भी कर सकते थे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट केस बना दिए, यानी कि थोड़ा सा सही रहता है ना, कि अलग अलग केस में अलग अलग क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं। अच्छा, ये बात बताओ, यहाँ पे जो रिएक्शन, यहाँ पे जो सॉल्यूशंस लिए हैं वो कौन से लिए हैं अपन ने? सर, जो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्या अभी तक कोई पीपीटी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। यदि मैं ऐसे सॉल्यूशन ले लूँ जो पीपीटी फॉर्म कर दें तो फिर क्या होगा, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे केस 4 में ले रहा हूँ यहाँ पे, केस 4, इफ टू सॉल्यूशंस, ज्यादा भी ले सकते हैं, आर टेकन, आर मिक्स्ड एंड फॉर्म पीपीटी, एंड फॉर्म पीपीटी, पीपीटी बोले तो प्रेसिपिटेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, जो पीपीटी होती है ना उसे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता है ना। पीपीटी तो क्या होती है, पीपीटी तो क्या होगी, सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगी, है ना। तो अपन बोल सकते हैं पीपीटी इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन है 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर AgNO3, ठीक है। एक तो ये दिया हुआ है और एक आपको दे रखा है, इसको मिक्स किया हुआ है 3 लीटर ऑफ 0.2 मोलर NaCl, है ना। टेम्परेचर दिया हुआ है आपके सामने 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पाई आपको यहाँ पे निकालना है, है ना। चलो बताओ कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करना, सिंपल सा रिएक्शन को यहाँ पे कराओ, है ना। सबसे पहले रिएक्शन को देख लो, रिएक्शन कैसी होने वाली है। सर, एक तरफ तो AgNO3 दे रखा है, एक तरफ NaCl दे रखा है, रिएक्ट तो करते ही हैं लेकिन PPT फॉर्म करते हैं, है ना। तो देखेंगे AgNO3 प्लस NaCl क्या बनाएंगे, तो हम बोलेंगे सर AgCl बनेगा, ठीक है। क्या बनने वाला है AgCl, और क्या बनने वाला है NaNO3, NaNO3, ठीक है। T=0 टाइम पे अपन देखते हैं ना। अच्छा, बैलेंस है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये याद रखना है, ये जो बनती है ना, ये PPT बनती है ना, ये क्या बनती है, वाइट PPT बनती है, वाइट PPT ये बनेगी, है ना, और जिसको अपन कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छा, T=0 पे यदि देखा जाए तो आप मुझे बताएंगे कि ये कितना ले रहे हैं अपन, बताओ मोल निकालो इसके, कितने मोल आ रहे हैं, मोल्स। तो आप देखेंगे सर, मोलारिटी को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से, है ना, तो 0.1 मल्टीप्लाई विद 2, तो कितना आ जाएगा, ये 0.2 मोल्स आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे इसके कितने मोल आ रहे हैं, सर 0.2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, है ना, कितना आ जाएगा, 0.6 मोल्स आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे, यदि T=0 पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है AgNO3 कितना दिया हुआ है, AgNO3 दिया हुआ है आपका 0.2 मोल, ठीक है। अच्छा, NaCl कितना दिया हुआ है, सर 0.6 दे रखा है, 0.6 मोल दे रखा है। अच्छा, LR कौन है इन दोनों में से, देख सकते हैं LR कौन है, AgNO3 LR है, यानी कि सर ये क्या रहेगा, दिस इज़ योर LR, दिस इज़ LR। अच्छा, LR है तो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, लास्ट में कितना बचेगा, 0। अच्छा, ये कितना ख़त्म होगा, सर ये 0.2 ख़त्म हुआ है तो ये भी 0.2 ख़त्म हो जाएगा, यानी स्टोइकोमेट्रिक 1:1 है इसलिए। तो ये कितना होगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे सर -0.2
और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.4 मोल बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नज़र आ रहा है? आई थिंक नज़र नहीं आ रहा है ना, जीरो। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ये कितना है AgNO3? 0.2 मोल, 0.2 मोल, और ये 0.6 मोल। ठीक है, यदि इसको देखें आफ्टर रिएक्शन, तो ये तो कितना बच गया, ज़ीरो। अच्छा, ये कितना है यहाँ पे, ज़ीरो है, ये भी कितना है, ज़ीरो है। अच्छा, आफ्टर रिएक्शन ये कितना बच जाएगा, 0.4 मोल, है ना। अच्छा, AgCl को तो हमें कंसिडर करना ही नहीं है, वो बनेगा तब भी हमें कंसिडर नहीं करना, अपन ने पहले बोल दिया जब PPT आपकी फॉर्म हो रही है तब आप वहाँ पे कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा NaNO3 कितना बनेगा बताएंगे मुझे, है। यदि ये 0.2 ख़त्म हुआ है तो वो भी कितना बनना चाहिए, वो भी सर 0.2 मोल बनना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन में अब इस टाइम पे कौन कौन आपके सामने प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में आपके सामने क्या क्या प्रेजेंट है बताएंगे। तो आप बोलेंगे सर AgCl को तो हम पार्ट ही नहीं मानेंगे PPT का, सॉरी सॉल्यूशन का, यानी कि सर इसका तो मसला ही ख़त्म हो गया है ना, यानी कि ये तो कोई रोल नहीं रखेगा। अच्छा, ये भी ख़त्म हो चुका है, बचा हुआ है NaCl, और क्या बचा हुआ है, NaNO3 बचा हुआ है ना। तो देखेंगे इसको, एक तो NaCl बचा हुआ है। अच्छा, NaCl का कितना मोल है, NaCl का दिया हुआ है आपको 0.4 मोल, है ना, और उसका 0.2 मोल, 0.4 मोल, और NaNO3 का कितना दिया हुआ है, ये है 0.2 मोल। अच्छा, इसके लिए यदि हम I2 देखें तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। इसके लिए भी I2 यदि I1 यदि देखें तो ये भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो पाई लगा दो, कितना होगा, N1I1 0.4 × 2 प्लस 0.2 × 2, अच्छा क्या होगा, RT अपॉन V टोटल, है ना। कितना वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे, कितना ले रखे हैं, 2 लीटर, और वहाँ पे कितना ले रखे हैं अपन, 3 लीटर, तो टोटल कितना हो गया, 5 लीटर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 लीटर। कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है, ये 0.8 प्लस 0.4, और ये कितना आ जाएगा, RT अपॉन 5, है ना, दैट इज 1.2 अपॉन 5 RT। बताओ कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताएं, ये इसका आंसर है फाइनल। और ये किस में निकलने वाला है, आपको बताया सर ये ATM में निकलने वाला है ना, किस में निकलेगा, ATM में। क्यों, क्योंकि R की वैल्यू कितने लेके चलेंगे अपन, 1/12, क्योंकि वॉल्यूम अपन लीटर में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी समझ में आई नहीं है ये आपको, है ना। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर भी ख़त्म नहीं हुआ है ना, अभी अपन कंपेरिजन करेंगे, है ना, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक ये बनाने वाले हैं, है ना, तो अपन अगली क्लास में उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक रिवाइज करो, इसके क्लास नोट्स आपको ग्रुप में मिल ही जाते हैं, बाकी एक ड्राइव बनाया गया है ना, गूगल ड्राइव, उसमें आपको पूरे क्लास नोट्स सीक्वेंस के साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूक्लियन कोटा। बच्चों, न्यूक्लियन कोटा आपके लिए लेकर के आया है सारथी फेज 2। इस कोर्स में आपको मिलने वाली है कोटा से डेली लाइव क्लासेस, जिनको कोटा की जो एक्सपर्ट टीम है वो लेने वाली है। यह क्लासेस जूम पर लाइव होने वाली है, जिसमें आप अपने टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, वीडियो कॉल के थ्रू अपने टीचर से बात कर सकते हैं। हर क्लास में आपको होमवर्क दिया जाएगा, और होमवर्क जो रहेगा वह DPP और शीट जो रहेगी उनमें दिया जाएगा। DPP और शीट आपको PDF फॉर्म में अवेलेबल होगी, और अगले ही दिन जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी उसमें जो होमवर्क दिया हुआ है उसको डिस्कशन कराया जाएगा। इस क्लासेस के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। यदि किसी की लाइव क्लासेस छूट जाती है या आपका टाइम सेट नहीं हो पा रहा है लाइव क्लासेस के टाइम पे, तो आप इसको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियोस आपके रिवीजन के लिए भी थोड़ी सहायता करेगी। हर टॉपिक के बाद में उसका एक वन शॉट रिवीजन लेकर के आया जाएगा, और वन शॉट के बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है JEE मेन और JEE एडवांस के, वो कराए जाएंगे, ताकि आपको पता चले कि जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, बिल्कुल कोर कंटेंट है बच्चों ये IIT का। हर 21 दिन के बाद में आपका एक यूनिट टेस्ट होगा जो JEE पैटर्न पे रहेगा, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट का एक टेस्ट होगा। ये टेस्ट पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाला है, जिसमें आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। तो बच्चों, न्यूक्लियन आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे
कोटा से लाइव क्लासेस दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से एनरोल कीजिए, हमारी वेबसाइट नीचे दी हुई है। और यदि आप चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपको नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, और आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर इस प्रकार से कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको गूगल में टाइप करना है न्यूक्लियन लाइव, आपको हमारी साइट नजर आ जाएगी nucleonlive.com। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा जो कि ज्वाइन नाउ का है। आपको सिंपली ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारी साइट पर आए हैं तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने पर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको अपना नाम फिल करना है, अपनी मेल आईडी डालनी है, फोन नंबर डालना है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डालना है। बच्चों व्हाट्सएप नंबर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप व्हाट्सएप नंबर डालेंगे तो आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा। इस ग्रुप में ही क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको दी जाएगी, और जो पीडीएफ है वो भी आपको इसी ग्रुप में मिलने वाली है। उसके बाद में आप अपना पासवर्ड चुन सकते हैं। उसके बाद में जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी जैसे जेई एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो जेई सेलेक्ट कीजिए, अपनी क्लासेस को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए 11, 12 और 13 जिसमें भी आप हैं, और उसके बाद में साइन अप कर दीजिए। जैसे ही आप साइन अप करेंगे उसके बाद में आपके पास में पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको प्राइस नजर आ जाएगी 999 रुपीज। और ये जो पेमेंट है आप यूपीआई के थ्रू, आप चाहे तो फोन पे के थ्रू, आप चाहे तो पेटीएम के थ्रू, या फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, जल्दी कीजिए और फटाफट से एनरोल हो जाइए।